नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला के सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समीप से कोविड-19 बूस्टर डोज और बचे हुए वैक्सीनेशन के लिए नुक्कड़ नाटक जागरूकता रथ को रवाना सिविल सर्जन राजू कच्छप ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसे गांव, कस्बे और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर सके। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर निरंजन कुमार ने बताया कि लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्था, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ की ओर से यह नुक्कड़ नाटक जागरूकता रथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बताया कि यह रथ जिले के 5 प्रखंड, 63 पंचायत सहित 22 वार्ड में पहुंच गांव के सुदूरवर्ती गांव में जाकर लोगों को कोविड-19 बूस्टर डोज को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। साथ ही जो लोग कोरोना का टीका अभी तक नहीं लिए हैं, उन्हें लेने के लिए जागरूक करते हुए प्रेरित करेगी। निरंजन कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम लगातार 15 अगस्त से 30 सितंबर तक डोर टू डोर चलेगा। इधर सिविल सर्जन राजू कच्छप ने कहा कि सभी नुक्कड़ नाटक में शामिल लोगों को निर्देश दिया है कि कोई भी गांव के लोग वैक्सीनेशन से ना छूटे। इसे ध्यान में रखते हुए सभी को जागरूक करें ताकि सभी वैक्सीन लें और कोरोना जैसी महामारी बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखने की बात कही। साथ ही सीएस ने यह भी बताया कि जागरूकता रथ गुमला जिले के घाघरा, चैनपुर, जारी, सिंसई, भरनो सहित अर्बन क्षेत्र के 22 वार्डों में भी पहुंचकर लोगों को बूस्टर डोज के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रेरित करेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। कोविड वैक्सीनेशन में हम लोग की उपलब्धि कम है, खास करके प्रिकॉशन डोज में, तो उसको प्रमोट करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग सभी जगह जागरूकता का अभियान चलाएंगे, सब लोगों को जागरूक करेंगे कि केवल 2 डोज लेने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रिकॉशन डोज भी लेना है, तभी हम लोग कोविड-19 से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। टारगेट है करीब मैंने 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के आयु का है, बाकी का मोर देन 60 से में हम लोग कर चुके हैं। ये 18 वर्ष से 59 साल के लोगों में है, उसका जो हम लोग का प्रिकॉशन डोज है उसमें हम लोग को थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है, हम लोग को जोर लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग कर सकें। वो सभी जगह सभी प्रखंड में जाएगी, सभी जगह जागरूकता अभियान करेगी, सभी लोगों को समझाएगी और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबों को जागरूक किया जाएगा और सबको समझाया जाएगा कि क्यों ज़रूरी है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये भी बताया जाएगा कि लोगों के मन में जो खराब विचार है, दुष्प्रभाव है कि वैक्सीन लेने के बाद हम बीमार पड़ जाएंगे या लेना ज़रूरी नहीं है, ये सभी बातों को उन लोगों के मन से हम लोग को निकालना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन डोज देना है।